जिंदगी आपने शराब में निकाल दी, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सब कुछ ना सब कुछ मेरी मां ने किया है। आपको संभाला है, मुझे संभाला है, यहां तक कि आपके बिजनेस को भी संभाला है। आप तो बस इन्हें गालियां देते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको देवता माना है। और कुछ नहीं छीना इन्होंने, बल्कि सिर्फ दिया है। इन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, और बड़ा होने के बाद जिंदगी के हर कदम पर मुझे संभाला है, इस लायक बनाया कि मैं आपकी जगह लूं। कोई सहम नहीं भरा है मेरे अंदर इन्होंने। क्या चाहते हैं आपकी, मैं आपकी आरती उतारूं, पूजा करूं आपकी? मेरी मां ने मेरे लिए जो किया है ना, वो इस जन्म में तो क्या हजार जन्म में मैं चुका नहीं सकता। इन्होंने सिर्फ मुझे मां का प्यार नहीं दिया, बल्कि एक पिता का साया भी दिया है। और जितना प्यार ये मुझसे करती है ना, उसका आधा भी अगर दामनी गुनगुन के लेकर लेना, गुनगुन बहुत खुश रहेगी। बस इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। मेरी मां की आंखों में ना आंसू इनकी वजह से आए हैं। मोहन जी, मुझे कोई बात नहीं सुनी, बस राधा की बात सुन लो, वो क्या कहना चाहती है एक बार सुन तो लो। जब नहीं आना चाहते थे शादी में तो क्यों लेकर आए इन्हें? देखिए ना क्या हो गया आप। लेकिन मोहन जी एक बार हमारी बात तो सुन ली। नहीं सुननी मुझे किसी की बात। त्रिवेदी जी, हम अब शादी करने जा रहे हैं, रोक सके तो रोक लेना। चलो दामनी। मोहन रुक जा, मोहन रुक। पंडित जी शुरू कीजिए। दादा जी, इसीलिए किया ना तुमने ये सब कुछ? मैंने क्या किया? बेवकूफ उसे बनाना जो तुम्हें जानता ना हो। त्रिवेदी जी का और राधा का एक साथ घर में ना होना ये इत्तेफाक नहीं है। दोनों का एक साथ घर वापस आना ये भी इत्तेफाक नहीं है। क्यों किया तुमने ये सब दामिनी? त्रिवेदी जी को शराब तुम्ही ने पिलाई ना? कहां थे वो? और राधा उन्हें ढूंढने क्यों गई थी बताओ? और ऐसा राधा हमसे क्या कहना चाहती थी? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? तुम ये कहना चाहती हो कि इन सारी चीजों में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? अब इतना भी झूठ मत बोलो दामिनी कि हम माने ही ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कद्दू। हाँ ठीक है दीदी, हम आप दोनों से कोई जवाब मांगने नहीं आए, बस इतना कहने आए हैं कि ये शादी हो रही है। मोहन ये शादी जरूर करेगा। अब राधा को अकेला छोड़ दो बस। ये शादी होने वाली है मां, अभी तक हुई नहीं है। जब तक मेरी शादी मोहन से नहीं हो जाती मां, मैं चैन से नहीं बैठ सकती, क्योंकि वहां राधा भी चैन से नहीं बैठेगी।
कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी मेरी शादी रोकने के लिए। हम आखिरी बार कह रहे हैं तुमसे दामिनी, अब और किसी को नुकसान मत पहुंचाना। माँ, अरे कद्दू, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हम। तुम निश्चिंत हो जाओ, जाओ जीजाजी के पास जाओ। कहीं दोबारा उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया तो अनाप शनाप बोल देंगे तुम्हें वापस। जाओ, उनका ख्याल रखो। सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात यार, चली जाओ यहाँ से। तुम एक बार राधा की बात तो सुन लो ना मोहन, देख तो लो वो क्या कहना चाहती है। वही तो, हम भी कह रहे हम चले जाएंगे, बस एक बार बात तो सुन लीजिए, हम बहुत जरूरी बात है। अरे नहीं सुनी यार बात तुम्हारी। ठीक है, अगर आज आपकी हट है ना मोहन जी, तो हमारी भी हट है। हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं फिर। अब जब तक दरवाजा खोल के हमारी बात नहीं सुन लेते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो बैठी रहो बस। तुम्हें दिखाई नहीं देता राधा को तुम्हारी कितनी फिक्र है। मोहन, राधा भी तुम्हें उतना ही चाहती है जितना तुम मुझे चाहते थे, और मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्या नोटबुकी शुरू करती है इसमें? आज ना मैं इसे मेरे और मोहन के बीच में आने नहीं रखी। मुझ तो मेरी शादी मोहन से होकर ही रहेगी। नहीं, मैं राधा से कोई बात नहीं करूंगा। इसकी वजह से मेरी माँ को इतना सुनना पड़ा और उसने सारी हदें पार कर दिया। मोहन, राधा को गलत मत समझो, दामिनी यही तो चाहती है। मोहन, चुप करो बे। हाँ मामा, I know आपको बहुत बुरा फील हो रहा होगा, पर आप तो पापा का स्वभाव जानते हैं ना। उन्होंने जो कुछ भी बोला नशे में बोला है। नशे में इंसान अक्सर सच बोलता है क्योंकि तुम्हारे पापा के अंदर हमें लेकर इतना जहर था, वो सारा आज बाहर आ गया। नफरत करते हैं वो हमसे, कायल समझते हैं हमें। माँ, मैंने क्या कहा आपसे, नशे मत है, और प्लीज आप उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। हम सच कह रहे हैं कि हमने मोहन को कभी उनसे दूर करने की कोशिश नहीं की। पर माँ, आपने कभी मोहन भाइयों को अपने से दूर भी तो नहीं किया ना? आपने उनको अपने इतना करीब करके रखा ना कि बाकी सभी लोग आपसे दूर हो गए। अपने मेरा, केतकी का, पापा का, हम सबका हिस्से का प्यार आपने सिर्फ और सिर्फ मोहन भैया को दिया। अरे मोहन भैया के सामने तो जैसे आपकी पूरी दुनिया रुक जाती है माँ। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब लोगों की कोई औकात नहीं है मोहन भैया के सामने आपकी नजरों में। और शायद इसीलिए आपको इन सब चीजों का आज इनाम मिला है। हम जानते हैं कि आप मोहन जी को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करी, और आज तो हम आपकी नौटंकी पर से पर्दा हटाकर ही रहेंगे। मोहन जी, एक बार बोला तुझे समझ में नहीं आती है बात? खबरदार कुछ किया है तो। राहुल भैया, मम्मा ये हमारी, कैसे बात कर रहे हैं आप इनसे? सही तो कह रहा है राहुल, तमाशा हो चुका है, अब और तमाशा नहीं चाहिए हमें। मोहन, मुहूर्त में सिर्फ आधा घंटा बचा है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। पर माँ, राधा की बात। राधा की बात तो कभी भी सुनी जा सकती है ना।
पर मुहूर्त में शादी होना बहुत जरूरी है। पर माँ ये मोहन, तुम्हें हम पर भरोसा है? इसी बात करी है माँ, सबसे ज्यादा भरोसा तो आप पर ही है ना। तो चिंता मत करो, राधा की बात हम सुन लेंगे। जाओ, फ्रेश हो जाओ। पर काकी जी, बस राधा, तुम्हारी बात हम सुनेंगे, चलो चलो। क्यों कर रही हो ये सब? मोहन से प्रेम करती हो इसलिए ना? बोलो राधा, मोहन से प्रेम करती हो ना? हाँ छोटी काकी जी। हम मोहन जी से प्रेम करते हैं, पर बिल्कुल वैसा ही जैसा राधा रानी बाके बिहार जी से करती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। हमारा प्रेम तो स्वार्थी नहीं है काकी जी, और हम ये सब मोहन जी को पाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें दामिनी जी से बचाने के लिए कर रहे। वो मोहन जी को पाने की किस हद तक जा चुकी है, उसकी हम और आप मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकते छोटी काकी जी। हम जानते हैं मैंने घर में क्या क्या किया, तो हम आपको बताते। वो दामिनी जी, तुम्हें हमारी चिंता है ना? मोहन की चिंता है इसीलिए ये सब कर रही हो ना? पर कहीं तुम्हारी इस चिंता की वजह से हमारा मोहन ही ना रहे। काकी जी, बात क्या है? आपकी बातों में घबराहट क्यों दिख रही है? कोई चिंता की बात है क्या काकी जी? आप हमें बताइए ना, हम और आप मिलकर सुलझाएंगे, बताइए ना बात क्या। राधा, तुमने हमारे लिए जो किया, हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया, हमारे मोहन के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है और वो हमेशा रहेगी। लेकिन सब बातें तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है और इसे हम खुद सुलझा लेंगे। काकी जी, राधा, अगर तुमने शादी को रोकने की कोशिश की ना, तो कहीं तुम्हारी जिद में हम अपना बेटा ना खो दे। काकी जी, ऐसा क्या कह दिया है उस दामिनी ने कि उसके हजार गुना नजरअंदाज करके माँ उसकी शादी मोहन से करना चाहती है? बताओ ना राधा, चलो। हम नहीं जा सकते गुनगुन। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? राधा, तुम क्यों रो रही हो बताओ ना। हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये शादी नहीं रोक सकते। काकी जी ने मना किया। क्यों गुनगुन, जिद छोड़िए ना।
मोहन जी के लिए बस ये शादी हो जाने दीजिए, बस अब चुप रही। अरे राधा, तुम रो क्यों रही हो? हम पापा के लिए तो शादी रोक रहे हैं। क्या करें गुरु, हम बड़ों के खिलाफ नहीं जा सकते ना। पर कभी कभी जाना पड़ता है। याद है तुमने सिखाया था? हमने? हाँ, तुम्हीं ने। एक बार यशोदा माँ ने बाकी बहन जी को यमुना जाने से मना किया था, पर वो फिर भी गए। पर तभी इतने सारे लोगों को कालिया स्नेक से बाकी बहन जी ने बचा लिया। और हाँ, ये दमनी भी ना कालिया स्नेक से कम नहीं है। हमें अगर पापा को बचाना है तो दादी के खिलाफ जाना ही होगा। चलो पापा को सब सच बता दे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये शादी किसी भी तरह से नहीं रोक पाएंगे। कुछ नहीं कर सकते, समझ नहीं आ रहा। नॉट फेयर राधा, अब तुमने भी गिव अप कर दिया। ठीक है, तब मैं बाकी बिहारी जी से ही रिक्वेस्ट करती हूँ। खेल शुरू नहीं, खेल खत्म करने आए हम दामिनी जी। भर गया आपके पापों का घड़ा, अब उसे फोड़ने का समय आ गया है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। इसलिए मेरी बात मानो, जाके भजन कीर्तन करो, पूजा पाठ करो और मेरी जान छोड़ो। 15 मिनट में मेरी और मोहन की शादी हो जाएगी और उसके बाद तो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगी। दामिनी चिट्ठी, भजन करने का समय ना आपका आ गया। याद कर लीजिएगा हाँ भगवान जी को, क्योंकि अब हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब आपकी शादी टूटेगी। और वो भी आपके पापों के सबूतों के कारण ही टूटेगी। सबूत? और उन्होंने क्यों कहा कि अगर मोहन जी की शादी आपसे नहीं हुई तो मोहन जी का जीवन बर्बाद हो जाएगा? राधा, अगर तुमने इस शादी को रोकने की जिद की ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से हम हमारे मोहन को खो दें। क्योंकि आपने छोटी काकी जी को धमका कर रखा है। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको पता है ना मोहन जी की कमजोरी, और आपने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। दामिनी जी, दामिनी जी, रिश्ते ना झूठ या जबरदस्ती से नहीं बनते हैं। पर आप कैसे समझेंगे? और अब जब हम ये सब जान गए ना, तो अब हम आपकी और मोहन जी की शादी नहीं होने देंगे। मोहन जी, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं सुननी उचित है बात। मोहन जी, एक बार सुन लीजिए। हाथ दूर रखो। मोहन जी, बस एक बार बात तो सुन लीजिए, हम बहुत जरूरी बात। अरे नहीं सुनी यार बात तुम्हारी। दरवाजा खोल के मेरी बात नहीं सुन लेते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो बैठी रहो बाहर। ये राधा क्यों मुझे टेंशन दे रही है? माँ को बिना बताए जाकर एक बार बात कर लूँ क्या उससे? राधा नहीं, राधा देखो राधा, I am really sorry। देखो प्लीज प्लीज, ये इस सब के बारे में ना किसी को मत बताना। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन प्यार में तो सब सही होता है ना राधा। देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बदल जाऊंगी, मैं मोहन की बहुत अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, देखना। तो
प्लीज प्लीज ये सब किसी काम नहीं जुटी। यही तो आपकी समझ धोखा खा गई ना दामिनी जी। शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती है बल्कि उनके पूरे परिवार से होती है। बाकी पैर जी पापा की दुल्हन राधा को बनना चाहिए दामिनी को नहीं। पर अब तो राधा ने भी फाइट करना छोड़ दिया, मैं अकेली रह गई। बाकी बहर जी राधा ने बताया था आप और अर्जुन जी बेस्ट फ्रेंड हो। आप दोनों ने साथ मिलके महाभारत की वॉर में कौरव को हराया था। अर्जुन ने भी मना कर दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ फाइट करना नहीं चाहते थे। जैसे राधा ने मना कर दिया, आपने जैसे उत्साह दिया था अर्जुन को लड़ने के लिए, उनका साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही मैं भी फाइट करना नहीं छोड़ूंगी। मैं भी राधा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। दामिनी और कावेरी बहुत इविल है और मुझे ऐसे में राधा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अरे राधा कहाँ हो तुम? कौन कौन है आप? ये तुलसी जब भी देखो मेरे काम में टांग अड़ाने आ ही जाती है, पर आज ये राधा को मुझसे नहीं बचा सकती। मैं नहीं खोलूंगी वरना वो दामिनी और कावेरी दादी मुझ पर जोक मारेंगी और मैं इरिटेट हो जाऊंगी। इससे बेटर है कि जब तक राधा नहीं मिल रही मुझे शादी को रोकने का कोई प्लान बनाना होगा। आइडिया, जी हमारा ना आपकी तरह शहरी शरीर नहीं है, गांव देहात का देसी बल है। हमने बचपन से देसी घी दूध माखन खाया, आपकी तरह डब्बे का खाना नहीं खाया हमने। तो अगली बार अगर आपने हम पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी ना, गुनगुन तुम्हें पता है राधा कहाँ है? देखो कब से ढूंढ रहा उसे, वो मिल ही नहीं रही है। राधा को ढूंढ के क्या करने वाले? बात तो उसकी सुनते नहीं हो आप। अरे गुनगुन बस
जैसे आपको राधा से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मुझे भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कट्टी 100 ईयर्स के लिए। अरे मुझे राधा से बात करने में इंटरेस्ट है, इसलिए तो ढूंढ रहा हूँ उसे। मैं है कहाँ वो? सच्ची? अरे मुझे, पर वो है कहाँ? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी उसे कब से ढूंढ रही हूँ। ओके, एक काम करते हैं, आप इधर जाओ मैं इधर जाती हूँ, जिसको पहले मिलेगी वो सिग्नल देगा। चलो दे देंगे। थैंक गॉड मोहन ने नहीं देखा, लेकिन इससे पहले क्यों वापस आ जाए? मुझे राधा को छुपाना होगा, पर कहाँ छुपाऊं उसे? ये राधा दिखती हल्की फुल्की है, लेकिन इसके हड्डियों में बहुत जान है। इस घर में दुल्हन बन के आने से पहले ना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी राधा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाहाभ्यंतरशुचिः। मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को बुलाइए। जी। राधा के आने से पहले तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि मम्मा होती क्या है। राधा ने मुझे मम्मा का मतलब अंडरस्टैंड करवाया। मेरे लिए तो मेरी मम्मा राधा ही है, और जैसे आपने कहा पापा कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, मेरे लिए भी राधा से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे कैसे भी राधा को फाइंड करके ये शादी स्टॉप करवानी होगी। राधा, इन दिनों हमारे सामने जो भी मुश्किलें आई उनका सामना हमने साथ किया है। ये शादी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, काश मेरा साथ देने यहाँ होती। कांच टूटा हुआ, वो भी दामिनी के रूम के बाहर। अरे दामिनी ने राधा को कुछ कर तो नहीं दिया? बस इसी का रूम है जो कि मैंने अभी तक चेक नहीं किया। ये तो राधा का दुपट्टा है, राधा भी अंदर है। दामिनी से राधा को बचाने के लिए मुझे मोहन की हेल्प लेनी होगी। गुनगुन, आज तुम्हारा भी खेल खत्म। अपनी राधा के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारे बाके बिहारी जी भी मेरे और मोहन की शादी नहीं रोक सकते। आज तुम्हें और तुम्हारी राधा दोनों को ना सूटकेस में बंद करके घर के बाहर फेंक दूंगी। दामिनी गुनगुन को छोड़ो, अगर उसे कुछ किया ना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। चलो।
मोहन नहीं गुनगुन, राधा। बहुत शौक है ना तुम्हें राधा के साथ साथ रहने का। रूम तो बंद है। एक बार को मोहन भैया भगवान को मना कर सकते हैं, लेकिन वो कभी मॉम को मना नहीं करेंगे। तो ये शादी तो होके रहेगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करने से रोकने की। राहुल भाई, आप तो वैसे ही दूसरी टीम में चले गए हो, इसके अलावा कुछ और भी बोलोगे या नहीं? पता नहीं दामिनी के बहकावे में आप अंधे हो गए हो, पता ही नहीं चल रहा आपको क्या सही है क्या गलत है। ओ बहना, अंधा मैं नहीं, अंधी तू होगी। जरा आंखें खोल और देख, पता नहीं तू कौड़ी की गाँव की गवार ने ऐसा क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर की दिन भर उसका राग अलगती रहती है। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, बस करो ना यार अब। और राहुल, हम भी यही चाहते हैं कि मोहन भैया ये शादी कैंसिल कर दें। सपने देखने हैं तो थोड़े रियलिस्टिक देखो ना। सामने मंडप है, दूल्हा रेडी है, दुल्हन रेडी है, मंडप सजा हुआ, लेकिन अभी भी तुम लोगों को क्या लगता है कि ये कैसे नहीं हुई थी? मैं तो तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ, अरे दामिनी को भाभी बोला अभी से शुरू कर दो, फायदे में रहोगे। आपका फायदा अपने पास रखिए। यार राहुल, नाराज कर दिया ना मेरी बीवी को, दामिनी से शादी कर। गुनगुन, आज तो तुम नहीं बचोगी। गुनगुन, हंसी आप ये इतना बड़ा बैग लेकर कहां जा रही है? अच्छा समझ गई। क्या? आपकी बेटी की शादी होने के बाद उसी के घर में आप बोझ बनकर तो नहीं रह सकती ना, इसलिए आप घर छोड़कर जा रही है ना? नाना, अरे पगली, घर छोड़कर जाए हमारे दुश्मन, हम तो इस घर में राज। क्या कहा? राज? क्या राज है? हम तो इस कपड़ों का दान करने जा रहे हैं। अरे बिटिया, हमारी बिटिया की शादी हो रही है ना, तो शादी होने के बाद वो पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेगी, तो सारे पुराने कपड़े इसमें डाल दिए, गरीबों में दान कर देंगे हम। एक बार शादी हो जाए फिर इस घर से पुराने कपड़े और पुराने लोग दोनों चले जाएंगे। तो हम जाए? चाहिए? कावेरी मासी को गरीबों से इतना लगाव कब से? आपने कभी ये सोचा कि इन दिनों जो हमारे रिश्ते में मिठास आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? राधा की वजह से। राधा ने मुझे और राहुल भैया को बार बार हमेशा ये याद दिलाएगी कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हमें ये एहसास दिलाया कि अगर इस दुनिया में कोई इंसान है जो हमारी परेशानियां हमसे पहले जान लेता तो वो आप है मोहन भैया। उस दिन पता है जब मैं बस में फंस गई थी
और आपने मुझे बचाया था। मैंने आपके हाथ पर वो बंधी राखी देखी। जो मैंने आपको बांधी थी उस पल में ना मोहन भैया आपसे हुए सारे झगड़े सारी लड़ाइयां भुला दी और बचपन की सारी प्यारी यादें याद दिला दी। जब आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे और राहुल भैया के इर्द-गिर्द घूमती थी। आपको याद है मोहन भैया कैसे जब आप मेरे स्कूल के पहले दिन मुझे अपनी साइकिल से छोड़ने आए थे, कैसे मुझे आप मोटी नाक कहकर छिड़ाते रहते थे और जब मैं छिड़ जाती थी तो मुझे आइसक्रीम लाकर खिलाते थे। आपको पता है कैसे आप जब एक दिन मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे मेरे कॉलेज के पहले दिन, तो आपने ग्राउंड में खड़े रहकर अनाउंस करवाया था कि मैं अगर किसी ने मेरी छोटी बहन को छेड़ा तो मुर्गा बना दूंगा। हाँ, कैसे जब आप अजीत से पहली बार मिले थे तो आपने मुझे कहा था कि अजीत बहुत भोला है पर ना तेरे लिए बेस्ट है। मैंने आपकी बात मान ली थी। मोहन भैया आपने मुझे पूरी जिंदगी सही राह दिखाई है, मेरा ख्याल रखा है, मेरे हर राइट डिसीजन में मेरा साथ दिया है। और आज जब आप एक गलत डिसीजन लेने जा रहे तो मैं कैसे चुप बैठ जाऊं मोहन भैया? आप प्लीज तमन्नी से शादी मत करिए। मैं आपकी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती मोहन भैया। तामी इतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम लोग समझते हो। हाँ थोड़ी जिद्दी है पर सुधर जाएगी ना। पता है आज गुनगुन उसे पसंद नहीं करती। वैसे भी तुम्हें पता है बाके बिहारी जी को देव की मां ने जन्म दिया था लेकिन उन्हें पाला यशोदा मां ने था। आई नो आप हाँ ही बोलोगे और मेरे लिए बहुत हैप्पी होंगे। सो इट्स डन, आज से राधा ही मेरी मम्मा और राधा और पापा की शादी मैं करवा कर रहूंगी। अभी भी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं धामनी से शादी करूं। वैसे तो तुम्हें ये सब करने से मुझे रोकना चाहिए लेकिन तुम्हारी किस्मत में माँ का प्यार पाना इसी तरह से लिखा है तो मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगी। सिर्फ माँ ही एक बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि एक बच्चा भी एक औरत के अंदर एक माँ के एहसास को जन्म देता है। तो फिर ये सब गलत कैसे हुआ ना? गुनगुन, तुम जो करना चाहती हो जैसे भी करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूं और हमारे बाके बिहारी जी भी तुम्हारे साथ है। राधा पापा से प्यार करती। आई नो पापा भी राधा से प्यार करते हैं बस उन्हें खुद पता नहीं। जानती तो शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये करूंगी कैसे? मैं हूं ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हम दोनों मिलकर करेंगे।
जाओ, राधा को अपनी माँ बना लो।